बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमान हकीम एक मर्तबा चंद रोज तक रोजाना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में तशरीफ लाते रहे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस अरसा में एक जिर्रा तैयार फरमाते रहे। लुकमान हकीम ने कई बार चाहा कि पूछूं ये क्या चीज बना रहे हैं, लेकिन खामोश रह जाते, यहां तक कि जिर्रा तैयार हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो जिर्रा अपने तन पर जेब तन फरमा कर कहा कि ए लुकमान, जंग के लिए कितना ये उम्दा लबास है। तो लुकमान हकीम ने पहचान लिया कि यही वो चीज है जिसकी दरियाफ्त करने के वास्ते कई बार मैंने इरादा किया, लेकिन खामोश रहना ही अच्छा समझा। और बिल आखिर एक तारीखी जुमला फरमाया कि खामोशी का दूसरा नाम दनाई है। बयान किया जाता है कि आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा अर्ज की कि ए दाऊद, मैं 5 हिकमतों पर आपको मतल्ला कर रहा हूं जो इल्मुल अव्वलीन वल आखरीन को मुहित हैं। सबसे पहली बात, दुनिया के लिए उतना ही काम करें जिस कदर आपको यहां रहना है। दूसरी बात, आखरत के लिए इस कदर अमल का जखीरा इकट्ठा फरमा लें जितना आपको वहां कयाम करना है। तीसरी बात, अपने परवरदिगार की इतनी तातो बंदगी करें जितनी आपको उस हस्ती से उम्मीदें वाबस्ता हैं। चौथी बात, मासी पर इतनी ही जुर्रत दिखाएं जिस कदर आतशे जहन्नम बर्दाश्त करने की सकत हो। पांचवी बात, जब अपने मौला की मासियत के लिए नफ्स वरगलाए तो किसी ऐसे जगह का इंतखाब करें जहां से परवरदिगार आपको देख ना रहा हो। यह भी कहा जाता है कि लुकमान हकीम ने 400 हकीमाना अकवाल जमा किए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 को इख्तियार किया था। इनमें से 2 ये थे कि इन्हें हमेशा याद रखा जाए, कभी भी फरामोश ना किया जाए। सबसे पहली बात जिक्र इलाही और दूसरी बात है मौत। और 2 ऐसे थे कि जिन्हें बुला दिया जाए, कभी याद ना रखा जाए। सबसे पहली बात, लोगों के साथ की हुई भलाई, और दूसरी बात, लोगों की अपने साथ हुई बुराई। तो हमारे वो तमाम सामईन जो हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, आजकल के माशरे में हम ये बात भूल चुके हैं कि कामयाबी कैसे हम हासिल कर सकते हैं। हम तो हमारे बात जहन में ये बात बिठा दी गई है कि आप बस एक दफा जिद्दोजहद करें, उसके पीछे लग जाएं, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ये बात हकीकत है, कामयाबी जरूर मिलती है अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, लेकिन कई लोग इतना ज्यादा उसके पीछे चले जाते हैं कि वो अपने खालिक को भूल जाते हैं कि हमारा पैदा करने वाला कौन है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे दना बन जाएं, आपको लोग इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखें, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है खामोशी। खामोश रहना बहुत बड़ी दनाई है और इसमें इतनी हिकमतें छुपी हैं कि जब आप इस अमल को इख्तियार कर लेंगे, अपनी जात पे इसको लागू कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे रास्ते नजर आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि मुझे कहां कहां से कामयाबी मिल रही है। महफिल में बैठ के कोई ऐसी बात और ऐसे अल्फाज ना कहें जिसको आपको इल्म ना हो। खामोश रहें, उसको सोचें, उसको समझें। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें उम्मीद है कि राशिद इन्फो टीवी की ये वीडियो आपको बहुत सराही होगी, आपको बहुत मालूमात देगी ये वीडियो। तो आपसे हम अभी इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।